वेज रेसिपीज में आज हम बनाने वाले हैं राजस्थानी पितोड़ की सब्जी। ये राजस्थान की बहुत प्रसिद्ध सब्जी है और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है और आपकी भी सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो सबसे पहले हमने पैन को गैस पर चढ़ा दिया है। इसमें हमने ले लिया है अपना आधा कप दही। हम दही को स्लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे हल्का सा गरम कर रहे हैं। अब मैंने डाल दिया है इसमें नमक स्वाद अनुसार। इसके बाद आप चाहो तो आप पैन को नीचे लेके आप बेसन ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हमने स्लो फ्लेम पे गैस रखा है और तभी बेसन ऐड करके उसे विस्क कर लिया है। अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी बराबर करने के लिए इसमें पानी ऐड करूँगी। हमने आधा कप बेसन लिया है, आधा कप दही लिया है और एक कप पानी इसमें ऐड कर दिया है इन टोटल। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें इस बेसन को अच्छी तरीके से पकाना है। आप चाहो तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हो, अजवाइन से बेसन डाइजेस्ट हो जाएगा। अब हमने हल्दी मिला ली है हाफ टी स्पून और लाल मिर्ची पाउडर मिला लिया है एक टी स्पून। हमें हमारा हाथ रुकाना नहीं है वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। हमें इसे कंटिन्यूसली चलाना है मीडियम फ्लेम पे। अभी आप देख सकते हो ये हल्का हल्का गाढ़ा होना चालू हो गया है पकने के बाद, और इससे पकने के बाद पट 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 ऐसे बबल्स फूटेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारा बेसन करेक्ट कंसिस्टेंसी पे आ गया है। अब हमारा बेसन करेक्ट कंसिस्टेंसी पे आ गया है और हम इसे एक ग्रीस प्लेट पे निकाल लेंगे। हम कोई भी स्टील की प्लेट ले सकते हैं इसके लिए। अब हम एक थाली को ग्रीस कर लेंगे घी या ऑयल से और इसके ऊपर हम हमारा जो पितोड़ का बैटर बनाया है उसे निकाल लेंगे। इसे स्पून की सहायता से थाली में फैला लेंगे। हमें थोड़ा थिक ही रखना है। इसको थिक इसीलिए रखा जाता है क्योंकि ये ग्रेवी में जाके चूरा चूर न हो जाए, इसीलिए इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि हमारा पितोड़ आसानी से निकल सके। अब हम बनाएंगे इसका तड़का या ग्रेवी। अब हमने अलग से एक पैन ले लिया है, इसमें डाल दिया है 2 टेबलस्पून जितना घी। इसके गर्म होने का वेट करेंगे, उसके बाद हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जीरा, इसमें राई नहीं जाती है, और डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग। दही की चीज़ों में हींग ज़रूर जाती है। आपने देखा कि मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला था और कुछ सेकंड से उसमें दही भी डाल दिया था और उसके बाद हल्दी डाल दी थी, और हम इसे कंटिन्यूसली चलाएंगे। पानी ऐड करके हम इसकी कंसिस्टेंसी को बराबर कर लेंगे। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे एक बॉईल आने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा पितोड़ एकदम ठंडा हो गया है और ये है वो पैन जिसमें हमने पितोड़ बनाया था, तो हम इसे डिस्कार्ड नहीं करेंगे, फेंकेंगे नहीं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से स्क्रेप करके इसका चूरा बना लेंगे। ये चूरा हमारे ग्रेवी को थिकनेस देगा, इसको एक बॉडी देगा। अब हम इसे हाथों की सहायता से इसे चूर लेंगे। ये बनेगा हमारे पितोड़ की ग्रेवी की, और इसे हम ऐड इन कर रहे हैं हमारे तड़के में। ये बन जाएगी हमारी ग्रेवी थिक। ये हमारा पितोड़ का बैटर है जिसे हमने गरम गरम ही थाली में फैला लिया था। अब हम इस पर चीरा लगाएंगे। आप इसे बिल्कुल काजू कतली की तरह काट सकते हो, गोल शेप में भी काट सकते हो, आपकी मर्जी हो उस तरीके से काट सकते हो। और ये आप देख सकते हो इजीली निकल गया है, एक साइड में एकदम प्लेन है और दूसरी साइड में दरदरा।
अब हम इसे पूरी तरह से स्क्रेप ऑफ करेंगे और ये जाएगा हमारी ग्रेवी में डायरेक्टली। ये आप देख सकते हो आइडली इसे इस तरीके से काटा जाता है। अब हमारी ग्रेवी में एक उबाल आने पर हम ऐड इन करेंगे हमारे पितौड़ जो अभी हमने स्क्रेप ऑफ किए थे। हमें हमारे पितौड़ डाल के इसे गैस को बंद कर देना है, हमें इसे ज़रा भी चलाना नहीं है। हम जब सर्विंग करेंगे तभी इसे उसी वक्त पर गरम कर देंगे। अब मैंने मेरे सारे पितौड़ डाल दिए हैं इसमें और हमारी सब्ज़ी रेडी टू ईट है। तो आपके भी घर में कोई हरी सब्ज़ी अवेलेबल ना हो, नहीं समझ में आए क्या बनाए, तो आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा राजस्थानी पितौड़ की सब्ज़ी।